सोनू सूद सर से तो बहुत पहले से हमारा ये टाइप है। 27 लाख रुपया मेरे को। 27 लाख? हाँ, 27 लाख मेरे को सोनू सूद सर के तरफ से आया। अच्छा। बिहार के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग कॉल करते थे, यादव समुदाय के लोग कॉल करते थे, हर क्षेत्र के लोग, हर जाति का लोग करते थे। तो मैं बीजेपी का एक चमचा रहता, अदर पार्टी का अगर चमचा रहता तो मैं भी एक फील्ड में झंडा उठा कर और बीजेपी में कितना लोग बोल रहे हैं, अरे कृष्णा आ जाओ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तुमको बहुत आगे बढ़ाएगा। मैं उन लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि आप युवाओं के लिए क्या किए? समाज को मेरा गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को आप बचा नहीं पा रहे हैं, हिंदू धर्म के मुखड़ा पहन के बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म का जो बचाव कर रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हैं। मैं नीतीश कुमार को बहुत बड़ा फाइन हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा फाइन था बहुत पहले। हूँ या था? नहीं था। अच्छा, मतलब बहुत था। प्रशांत किशोर बर्बाद कर देगा बिहार का, ये है वो है। अभी लोगों को डर, बहुत डर लगने लगा है प्रशांत किशोर जी से। अच्छा। कि ये आ जाएगा तो हमारा ये जो अभी मार्केटिंग चल रहा है हिंदू मुस्लिम धर्म, हमारे साथ जो भाई हैं इनके भी भाजपा से नाराजगी दिख रही है, हालांकि आप जन स्वराज में चले गए हैं इसलिए नाराजगी आपकी लग रही है? नहीं नहीं, नाराजगी मेरा नहीं, मैं पहले भी समाज सेवा कर चुका हूं। अच्छा। और मैं कोविड से आज तक मतलब बहुत किया, मतलब इतना तो मैं बीजेपी वाले हूं नहीं कि हर चीज को एक पानी भी डालू पेड़ में तो उसका कथन हाईलाइट मामला बन जाता है देश में कि हाँ फलाना आदमी ने पानी डाल दिया, तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ और मेरा कुछ अलग ही है। मैं विचारधारा और समाज से जुड़ा हूँ। हाँ, अलग है वही बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। अलग वही है कि हम जो भी करते हैं ज्यादा पब्लिकली नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे पीछे हमारे बाप कोई सांसद, हमारे बाप कोई एमपी, हमारे बाप कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हम भी एक आम परिवार से ही निकला हुआ बच्चा हूँ, पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम लोग समाज से जुड़कर मदद कर रहे हैं तो इस तरह के हमारे समाज में हरकत होगा कि जो आवाज गलत के लिए उठा रहे हैं, गलत लोगों को ये करने के लिए उठा रहे हैं, अगर उसको सरकार जेल में डाल रही है तो निश्चित है कि वो हमारा नाराजगी पार्टी से होगा ही, पार्टी होगा ही। हाँ, क्योंकि अच्छा, हम का... किसी पार्टी का ये बंधुआ मजदूर नहीं है। वाह। अभी अभी कल पता चला, कल एक आदमी से बीजेपी की नेता से बात हो रही थी हम कल रात। अच्छा। मैंने जन स्वराज का 2 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है जन स्वराज, तो इसके लेके हम लोग का प्रोग्राम है अपना भाई पार्टी का, ये है मैं समर्थक हूँ। मैं एक प्रशांत किशोर या मतलब कोई भी उस ये में अभी कोई विभाग है कोई ये नहीं बांटा गया, हम लोग एक समर्थक हैं। तो हम लोग एक स्टेटस के द्वारा माध्यम से बता रहा हूँ, पब्लिक को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग आइए। बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने सीधे बोला, अरे वो तो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय के समर्थन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बर्बाद कर देगा बिहार का, ये है वो है। अभी लोगों को डर, बहुत डर लगने लगा है प्रशांत किशोर जी से। अच्छा। कि ये आ जाएगा तो हमारा ये जो अभी मार्केटिंग चल रहा है हिंदू मुस्लिम धर्म जाति धर्म राजपूत को गाली देना, मैं राजपूत समाज से आता हूँ। पिछले बार आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि नाराजगी तो लोकसभा चुनाव से ही भी चल रहा है कई समाज का, कि विजय रूपाला जी जो गुजरात के हैं, मतलब आप भी जातिवाद टाइप? नहीं नहीं, मैं जातिवाद टाइप का नहीं हूं। आपके समाज के लोग विरोध करते हैं, कहते हैं मैंने राजपूत समाज। मैं एक वर्ड में बता देना चाहता हूँ, देखिए पहले मेरा जन्म, मैं एक परिवार को पहले लेके चलता हूँ, सर्वप्रथम परिवार को रखता हूँ, फैमिली को, उसके बाद समाज को, उसके बाद धर्म, मतलब तीनों मेरा ये चला। अगर मैं समाज के साथ बगावत कर लूं, कल भी समाज दो टाइप का होता है, एक होता है पूरे आपके गांव के समाज हो गए, आपके जो आसपास रहते हैं जो बिहार के लोग हैं वो एक समाज होती है, एक समाज जाति को कहा जाए, क्योंकि आजकल कह रहा है कि मैं इस समाज से बिलोंग करता हूँ। भाई पहले होता था मैं बिहार के समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं भारत के समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं जात राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ। नहीं नहीं, तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जिस जन्मभूमि, मतलब मैं जिस जन्मभूमि से आता हूँ उस जन्मभूमि पे इतिहास है। बाबू बीर कुंवर सिंह जिसने मतलब अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिया था, उसके बाद अपने हाथ भी काट दिए, उस मतलब उस जन्मभूमि से हम आता हूँ। और बिहार का ऐसा मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर दिया ना कि बिना जात पे कुछ चल ही नहीं रहा है। अभी देखिए अभी कुछ दिन अभी इसीलिए आप भी कर रहे हैं ना? हम नहीं कर रहे, बट हमारा समाज है, अगर हमारा परिवार को कोई गाली देगा तो उसके साथ तो मैं रहूंगा नहीं, वो चाहे किसी भी हमको कितना भी ऑफर दे। लोग हमको ऑफर दे, बीजेपी में कितना लोग बोल रहे हैं, अरे कृष्णा आ जाओ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तुमको बहुत आगे बढ़ाएगा। मैं उन लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि आप युवाओं के लिए क्या किए? समाज को मेरा गाली दे रहे हैं,
हिंदू धर्म को बचा नहीं पा रहा, हिंदू धर्म के मुखड़ा पहन के बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म का जो बचाव कर रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हैं, तो मैं कहाँ तक क्यों आऊँ आपके साथ? आप केवल बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के बारे में आप बात करते हैं, कब बात करते हैं? लोकसभा चुनाव, विधानसभा आने वाला है, केवल देखिएगा विशेष राज का दर्जा के बारे में बात होगा, फिर उसके बाद भुला जाते हैं लोग। वो हमारे चाचा जी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, मैं तो उनका जब से मैं अपना होश हवास समा रहा हूँ 15-20 साल से तो वही है, सबसे वही है। हाँ, तो मैं उनको देख पहले बहुत अच्छा लगता था। हाँ। मैं नीतीश कुमार को बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा फैन था बहुत पहले। हूँ या था? नहीं था। अच्छा, मतलब बहुत था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था उस टाइम, क्योंकि उसका काम करने का तरीका मैं बच्चा में देखता था कि बहुत। मेरा सरकारी स्कूल पहले था, गजब ढंग का लोग उसमें बहुत सुधार हुआ, रोड सड़क सारे सुधार हुआ। उसके साथ ही प्रशांत किशोर जी, यही मतलब सोचकर उनके साथ भी गए। फिर उसके बाद मतलब प्रशांत किशोर के मतलब उनके जन सुराज से ताल्लुक रखते हैं तो उनके तरफ उनका तारीफ करना शुरू कर दी है ना। ताल्लुक चलिए, मैं आपकी आपकी बात पे आ रहा था, चूंकि अगर इस तरह का डिस्कशन चलेगा तो लंबा चलेगा। आपका एक तस्वीर मतलब सोशल मीडिया पर हमने देखा था, सोनू सूद के साथ एक तस्वीर था, वो कब की तस्वीर है? देखिए, सोनू सूद सर से तो बहुत पहले से हमारा ये टाइप है। कोविड में मैंने इतना काम किया, मतलब दिन रात 24 घंटे में मात्र 1-2 आवर्स ही मैं सोता हूँ। अच्छा। 4 बजे मैं सोते थे, सुबह 5 बजे उठ जाते थे, ताकि मतलब मेरे जो लोग फोन कर रहे हैं बिहार देश, मतलब फ्रांस अमेरिका हर जगह से लोग मुझे कॉल करते थे। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैं एक MP और लोग उस टाइम विधायक मंत्री, आप जिस सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहे हैं उस सत्ताधारी का लोग फोन ऑफ कर देते थे भाई साहब। उस टाइम मैं खड़ा था फील्ड में, उस टाइम रोड पे आपको लोग नहीं देख रहे होंगे। उस टाइम हम अपने बाइक से पूरे रोड पे सुना सनाटा रोड पे IGMS PMCH करते थे। उस टाइम मेरा नंबर सर्कुलेट हो गया, सोनू सर भी ट्वीट किए थे, बहुत लोग मेरा काम को सराहा, बैक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता रहा। उसके बाद मतलब जब ये कोविड खत्म हो गया, उसके बाद सोनू सूद सर मुझको कुछ काम दिए बिहार के लिए कि कृष्णा तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मेरा काम को बहुत सराहा। जम्मू कश्मीर का एक MLC है, उन्होंने भी मेरा काम को सराहा। मतलब पॉलिटिकल या जो अच्छे लोग हैं वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए। आशीष चंचलानी को आप जानते होंगे, जीटिया का बड़े यूट्यूबर, उनसे भी मुझे कॉन्टेक्ट है अच्छा खासा। वो लोग भी स्टोरी मेंशन किए थे, मेरा नंबर पूरा सर्कुलेट कर गया था दुनिया भर में। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि कृष्णा मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। बोले सर क्या काम दे सकते हैं? मैं सोचा इतना बड़े लोग हमको क्या काम दे देंगे, हम लोग को लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब उनका कोई सोनू सूद, हाँ नहीं साधु उनका असिस्टेंट। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम अपने अकाउंट डिटेल्स भेजो। मैंने भेजा, तुरंत 27 लाख रुपये मेरे को, 27 लाख, हाँ 27 लाख मेरे को सोनू सूद सर के तरफ से आया। अच्छा। बिहार के लिए, मैं बिहार का एक युवा हूँ और उस टाइम मैं ना जन सोरा से ताल्लुक रखता था, ना मैं BJP से ताल्लुक रखता था, ना कोई पार्टी से ताल्लुक रखता था। मैं समाज से ताल्लुक रखता था, मैं जरूरतमंद लोगों से ताल्लुक रखता था। अगर उस टाइम अगर मैं जातिवाद आप जिस टाइप से बोले, अगर मैं उस टाइम जातिवाद करता तो मुझे मुस्लिम समुदाय के लोग कॉल करते थे, यादव समुदाय के लोग कॉल करते थे, हर क्षेत्र के लोग, हर जाति का लोग करते थे। तो मैं जातिवाद करता तो उस टाइम मैं एक ही जात का समुदाय का लोग को मदद करता, हिंदू राजपूत, इसके अलावा किसी को मदद नहीं करता। पर ऐसा मैंने किया ही नहीं। फिर 4,000 घर 4,000 परिवारों तक पहुँच के मैंने सूखा राशन, जिसमें पर पैकेट पे 700-800 रुपया खर्चा हुआ होगा, मैंने 4,045 परिवारों तक मुश्किल से दरभंगा से लेके आरा बक्सर, ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे सोशल वर्कर से, जिला जो डिस्ट्रिक्ट के अच्छे सोशल वर्कर हैं उनसे जुड़कर घर घर राशन पहुंचवाया। अच्छा। खुद गए, खुद घर घर राशन पहुंचवाया, खुद घर घर ये किए। तो मुझे किसी का नाम फेम से हमको मतलब नहीं है। कोई ऐसा कहे कि फलाना मेरे नाम से कृष्णा जाना जाता है, फलाना कोई कहे कि मेरे नाम से कोई जाना जाता है, आज कुछ है तो मेरे नाम से है, तो ये कतई नहीं है। मैं खुद के दम पे हूँ। अगर उस टाइम अगर काम नहीं करते हैं तो आज हम रहते हैं यहाँ पे। आप जिस फोटो के जिक्र कर रहे थे उस फोटो के मैं बारे में बता देना चाहता हूँ। उस फोटो के लिए अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी पटना में आके रो रहे थे होटल में सोनू सूद के साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैं अनंत आदर्श भाई के ही बात बोल रहा हूँ, आदर्श आनंद भाई। हाँ, जिस टाइम वो आए थे और ये प्रोग्राम था फैशन वाला, मेरी दीदी ही है वही बुलवाई थी।
और उसके बाद सोनू सूद सर के साथ लेमन ट्री होटल में 1.5 घंटा मैं बैठा था। अगर मैं कुछ हूँ तभी तो सर ने मुझे इनवाइट किया, तभी तो मैं बैठा था। अगर मैं बीजेपी का एक चमचा रहता, अदर पार्टी का अगर चमचा रहता, तो मैं भी एक फील्ड में झंडा उठा कर और घूमते रहता। मतलब जो झंडा लेके घूमते चमचा रहते हैं, तो वो चमचे ही है ना, वो उनको बीजेपी यूज कर रही है, आरजेडी यूज कर रही है, या बिहार में तमाम पार्टियां यूज कर रही है। बट जन स्वराज के बारे में मैं आज एक बात बता देना चाहता। देखिए, हमको जन स्वराज से पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे बड़े बड़े अभिभावक, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जुड़ रहे हैं, तो कई लोग मुझे बात हुआ, कई लोग से मीटिंग हुई, कई बार मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने मौका दिया कि सर मैं एक समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे मेरी उम्र भी बहुत कम है, मेरा अभी उम्र मानिए तो 22 हो रहा हो, मात्र 22 साल। हाँ, 22 साल, तो मैं अभी मतलब इस चीज में ज्यादा हम ये नहीं हूँ। 22 साल की उम्र है और कितने साल से सेवा कर रहे हैं लोगों की? मैं 2017 से तो कर रहा हूँ, मतलब फिर भी ज़्यादा एक्टिव हुआ कोविड से। 2019 से मैं पूरा एकदम कोविड से, तकरीबन लगभग 18 से 19 साल से स्टार्ट कर दिया। मतलब बचपन में ही तय कर लिया था कि भविष्य में जाकर के हमको नेता बनना है। बचपन में तय करने के पीछे भी मकसद, मैं देखते रहता था समाज के प्रति, क्योंकि लोग जाते थे नेता के पास, बड़े बड़े नेता के पास, उनके पास। नेता बनना है ना आपको? नहीं, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया, अभी नेता नहीं बनना है, क्योंकि हम अभी एक समाज, अगर जन स्वराज भी है, अभी 2 अक्टूबर को पॉलिटिकल राजनीतिक घोषणा हो जाती है, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनका क्या विचारधारा है। अगर विचारधारा सही रहेगा, अभी तक तो इनका एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, सभी का हवा, मतलब दशा खराब हो गया है। अच्छा, एकदम सब लोग, अभी आप देखे होंगे राजद के कार्यालय से जगदानंद सिंह कुछ दिन पहले लेटर जारी किए थे कि आप लोग अगर जो जन स्वराज से नहीं जुड़ना है, डर तो सब लोग का है। मतलब कहने का मतलब है आपका कि जन स्वराज के आने से हलकंप मच गया, हड़कंप, हड़कंप मच गया, अरे हड़कंप मच गया, तवाही आ जाएगा, तवाही आ जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं सारे ये ढोंगी, जो हिंदू ढोंगी बने हुए हैं ना बीजेपी वाले। अच्छा, सारे का झोला में कपड़ा वपड़ा बंद कर ले और अपने प्लान कर ले। हाँ, अपने अपने घर। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जन स्वराज जो है वह भाजपा की बी टीम है। वही भाजपा के बी टीम वाले के नेता बोल रहे हैं कि जन स्वराज एक मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट कर रहा था, यानी मतलब वो बिहार को बर्बाद कर देगा। आप बताइए कहाँ तक बीजेपी का समय बी टीम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, काफ़ी बड़ा डिस्कशन रहा, बाकी हमने 2 मुद्दों पर इनसे बातचीत कर ली, जन स्वराज को लेकर के भी इनकी क्या राय है ये भी आपने देख लिया, बाकी बीच भाजपा पर इनका जमकर सीधा सीधा निशाना रहा है कि भाजपा झूठा वादा देती है, झूठा कहती है कि हम हिंदू और सनातन का सपोर्टर है, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन के लिए हम खड़े रहते हैं, ऐसा इनका पूरा पूरा कहना है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।